भारतीय रेल की जनरल बोगी आप सभी ने भोगी या नहीं भोगी? अगर नहीं भोगी तो इस कविता के माध्यम से मैं आपको उसका अनुभव कराऊंगा। एक बार हम भी कर रहे थे यात्रा, देख सवारियों की मात्रा, हमारे पसीने छूटने लगे और हम घर की तरफ फूटने लगे। इतने में एक कुली आया, मुस्कुरा कर बोला, अंदर जाएंगे? हमने कहा, आप पहुंचाएंगे? फिर उसने कहा, बड़े बड़े पार्सल पहुंचाए हैं तो आपको भी पहुंचा दूंगा, पर रुपये पूरे 50 लूंगा। हमने कहा, सामान नहीं केवल हम हैं। वह बोला, बाबूजी आप किसी सामान से कम हैं? भीड़ देख रहे हैं, उठाकर ले जाना पड़ेगा, धक्का देकर जाना पड़ेगा, मंजूर हो तो बताओ। हमने कहा, देखा जाएगा, तुम उठाओ। उसने बजरंग बली का नारा लगाया और पूरी ताकत से हमें उठाया और खुद बैठ गया। Oh, no. दूसरी बार कोशिश करी तो लेट गया। हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी भगवान ही आपको उठा सकता है, हम क्या आपको उठाएंगे? आपको उठाते उठाते हम ही दुनिया से उठ जाएंगे। जैसे तैसे डिब्बे के अंदर पहुंचे, यहाँ दृश्य तो और भी घमासान था। पूरा का पूरा डिब्बा अपने आप में एक हिंदुस्तान। कोई सीट पर बैठा था, कोई खड़ा था, जिसे खड़े होने की भी जगह नहीं मिली वो सीट के नीचे पड़ा था। हमने एक गंजे यात्री से कहा, भाई साहब थोड़ी सी जगह हमारे लिए भी बनाइए। उसने कहा, आइए हमारे खोपड़े में बैठ जाइए। इतने में एक बोरा उछल कर आया और गंजे के सर से टकराया। गंजा चिल्लाया, यह किसका बोरा है? बाजू वाला बोला, इसमें तो 12 साल का छोरा। Oh, no. तभी एक आवाज हुई और इतने में एक बोला, चली चली। दूसरा बोला, या अली। हमने कहा, काहे के अली, काहे के बली, ट्रेन तो बगल वाली चली। धन्यवाद।